SPN9 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मेघा। लोकसभा चुनाव 2019 में दर्ज की गई ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के तार जो हैं गांधी परिवार के उस हिस्से के साथ जुड़े हैं जो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। बात कर रहे हैं हम आपसे मेनका गांधी और वरुण गांधी के बारे में। माँ और बेटे दोनों में से किसी एक को कम से कम मंत्रालय में जगह दी जाएगी। मोदी जी जो हैं वो मंत्री पद दिलाएंगे, मगर अफसोस जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसमें जो लिस्ट निकल कर सामने आई उसमें ना तो मेनका का नाम ना वरुण का नाम। इन सबके बीच में सवाल ये उठता है कि चुनावी नतीजे आ जाने के बाद क्या 303 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस जीत के बाद पार्टी ऐसा सोचने में लग गई है कि मेनका और वरुण की जरूरत नहीं है? क्या इस प्रचंड जीत के बाद अकेले अपने दम पर 300 पार जो भारतीय जनता पार्टी ने छुआ है, क्या इसके बाद पार्टी को यकीनन इस चीज का एहसास होने लगा है कि अब मेनका गांधी और वरुण गांधी की जरूरत नहीं है? इस सवाल का जवाब है ना। ठीक सुन रहे हैं आप, मेनका गांधी या वरुण गांधी, इन्हें लेकर पार्टी में विवाद उस वक्त से हो रहा है जब टिकट दिए जाने के लिए लिस्ट तैयार की जा रही थी और मिली जानकारी की माने तो उसी वक्त पर मेनका गांधी से कह दिया गया था कि या तो टिकट आपको दिया जाएगा या आपके बेटे वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा। पार्टी में जो बगावत थी वो मेनका गांधी ने टिकट का बंटवारा होने से पहले ही शुरू कर दी थी। ये सारा का सारा खेल उस वक्त से ही शुरू हो रहा था जहां पार्टी अपने उसूलों पर अड़ी थी और मेनका गांधी अपनी शर्तों पर। आखिरकार पार्टी मेनका गांधी के सामने झुकी और बाद में पार्टी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसके बाद खुद ही मेनका गांधी बीजेपी से इस्तीफा दे देने का ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में वो आगे बढ़ी हैं इस बार, ना ही उनके बेटे वरुण गांधी को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। तो ये सारा का सारा माजरा क्या है, इन सबकी शुरुआत कहां से हुई और अब मेनका गांधी किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी के खिलाफ अपना फैसला भी सुना चुकी हैं। साफ उन्होंने कह दिया है झुकने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, लड़ाई वो करती आई है और लड़ाई वो करती रहेंगी। मेनका की आंधी जो अब बिल्कुल बीजेपी के उलट बहने के लिए तैयार है, इससे जुड़ी तमाम बड़ी जानकारियां आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा, भाजपा मुख्यालय में टिकट के बंटवारे पर चर्चा चल रही थी। पार्टी ने एक सिद्धांत तैयार किया कि एक परिवार के दो सदस्यों को टिकट नहीं मिलेगा। बिहार से हुकुमदेव नारायण यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी। यही प्रस्ताव लेकर भाजपा के संगठन से जुड़े एक महासचिव मेनका गांधी से मिले और उन्हें पार्टी का फैसला बताया। सुनी सुनाई से कुछ ज्यादा है कि मेनका ने सुनते ही कह दिया कि ये तो गलत है, हमारे परिवार से मैं और मेरा बेटा दोनों ही पहले से सांसद हैं, तो ये फॉर्मूला हम पर कैसे लागू हो सकता है? बाकी नेता तो एक्स्ट्रा सीट मांग रहे हैं, हमारे पास तो पहले से ही जीती हुई सीटें हैं, इसलिए इस पर समझौता नहीं हो सकेगा। लोकसभा चुनाव 2019 में जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था तब से ही पार्टी के खिलाफ मेनका गांधी हो गई थी। जब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मेनका को समझाने की कोशिश की तो मेनका ने पलट कर कह दिया, अगर ऐसा है तो मेरा बेटा वरुण मेरी सीट पीलीभीत से चुनाव लड़ेगा और आप सुल्तानपुर के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार ढूंढ लीजिए। इसके बाद पार्टी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और मेनका वरुण के आगे पार्टी को झुकना पड़ा, जिसके बाद वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़कर जीते और सुल्तानपुर से विजयी होकर मेनका गांधी भी जीती। अब बात उस दिन की आती है जब दिल्ली में शपथ लेने के लिए भाजपा नेताओं के पास फोन आ रहे थे। मेनका गांधी को यकीन था इस बात पर कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा, अगर उन्हें नहीं बनाया गया तो उनके बेटे वरुण गांधी को जरूर मंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि मेनका और वरुण दोनों के पास ना तो पार्टी में कोई पद है, ना ही इनमें से कोई मोदी सरकार में शामिल है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर अब मेनका गांधी क्या करेंगी? बता दें आपको, मेनका गांधी के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की खबरें सुनाई पड़ रही हैं। मेनका गांधी के इस्तीफे को लेकर कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं और इस्तीफे को लेकर आ रही तमाम खबरों के बीच मेनका गांधी पार्टी पर बरसी हैं। पार्टी पर बरसते हुए मेनका गांधी ने कह दिया है कि अब सुल्तानपुर की जनता बताएगी इन सबका क्या जवाब है। मेनका गांधी कहती हैं कि पार्टी में जो उनके साथ हुआ है इसका जवाब सुल्तानपुर की जनता देगी। मेनका कहती हैं कि पार्टी में जो कुछ उन्होंने सहा है
इसका जवाब सुल्तानपुर की जनता यहां पर देगी। सुल्तानपुर की जनता अब क्या जवाब देगी, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त पर मिलेंगे। फिलहाल इस्तीफे से पहले मेनका गांधी एक बार पार्टी पर बरस चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जनता छोड़ेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स के जरिए भले ही मेनका कर रही हूं, लेकिन मेनका का हाल-ए-दिल क्या है, ये बात तो आप सभी जानते हैं।